नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए HBN न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबर की ओर। भारत नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते को नजर लग गया। भारत का दुश्मन पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत के पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल को उकसाकर कूटनीति चाल चला और लिपू लेख सीमा विवाद को लेकर षड्यंत्र रचकर नेपाल को गुमराह कर भारत के खिलाफ बोलने और खुली सीमा का फायदा उठाने को लेकर पाकिस्तान चाइना के पीछे से नेपाल की मदद कर रहे हैं और नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। हाल ही में बिहार सीतामढ़ी नक्शा विवाद को लेकर पिछले कुछ दिनों से भारत नेपाल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार को नेपाल एपीएफ के द्वारा फायरिंग की घटना हुई। फायरिंग में एक की मौत और एक घायल हो गया। भारत की सीमा से घसीटकर नेपाल ले जाकर 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इससे दोनों देश के रिश्ते में और ज्यादा तल्खी पैदा कर दी। चाइना अपनी कूटनीति को लेकर कोरोना महामारी में भारत नेपाल की सीमा पर चीन ने 933 अस्थायी कैंप नेपाल का बनवाकर भारत के हर गतिविधियों पर ध्यान रखने का काम कर रहा है। यहां तक नेपाल के आर्मी बलरामपुर सीमा से सटी कृष्णानगर में अपना डेरा जमा रखे हैं और सीमा पर नेपाल की आर्मी पेट्रोलिंग दिन रात चीन के द्वारा बनाई गई कैंप में रहकर भारत के हर मूवमेंट पर ध्यान रखते हैं। बलरामपुर से सटे नेपाल की खुली सीमा सुलहदे वन अभ्यारण्य जंगल और चरकघवा नदी भारत नेपाल सीमा को अलग करती है, जहां पर तमाम कैंप चीन द्वारा बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। नेपाल से 254 और सीमा पर पहले से ही अजसा को पता है कि तनाव रहती है और नेपाल की ए पी एफ रहती है, दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य तालमेल रहता है। दोनों जुटमिल के काम करते हैं। नेपाल की ए पी एफ हमारी एस एस बी का बहुत अच्छा तालमेल है और सीमा पर होने वाले अंदर के अपराध को थोड़ी रोकते हैं। साथ ही हमारी जो जनपद पुलिस है, ये भी एक तालमेल बनाए रहती है और किसी भी तरह का कोई अपराध या तस्करी जैसे पकड़ आते हैं तो उन्हें काम करते हैं। हमारा ये सौहार्द सामंजस्य बना हुआ है और इसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह समझे हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल सही है और किसी भी तरह का कोई तनाव स्थिति नहीं है।